आप सबका स्वागत है दोस्तों। फिर से एक बार हम दीपक जी के साथ बने हुए हैं और इस एपिसोड में, जी हाँ, आप जिस बात का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ गई है। दीपक जी हमें बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी तीन पर्सनालिटी टाइप होती है जो विनिंग पर्सनालिटी होती है, जहां पे हम पैसों के स्वामी होते हैं और स्लेव नहीं होते हैं। तो विदाउट मच अडू दीपक जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं तो जब भी बात करता हूँ ये सब सब्जेक्ट के बारे में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं बहुत ही एक्साइट हो जाता हूँ ये सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि ये सब्जेक्ट ने ही मुझे मालामाल बनाया है और ये आइडेंटिफाई करने के बाद मैं मनी के साथ एकदम पीसफुल हो चुका हूँ। और एक बार आप मनी के साथ पीसफुल हो जाते हैं तो बाकी एरियाज जो हमारे लाइफ के है तो वो भी कंट्रोल में हमारे आ जाते हैं, क्योंकि मनी से हम लोग टाइम को खरीद सकते हैं या टाइम जो है हमारे कंट्रोल में रहता है। तो अभी देखते हैं कि तीन पर्सनालिटी ऐसी कौन सी है जो मुझे स्वामी बनाती है। तो सबसे पहले जब भी आप मनी के जर्नी में जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रावेगेंट भी नहीं होना है, आपको अज्यूमर भी नहीं होना है, अवॉइडर भी नहीं होना है, इग्नोरेंट भी नहीं होना है, गैम्बलर भी नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। तो ये कंजर्वेटिव मनी पर्सनालिटी ही आपको बनना है। और 10 ईयर्स माय डियर फ्रेंड, इसको मैं बोलता हूं शॉर्ट सफरिंग। तो एक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सफरिंग, लॉन्ग सफरिंग। मुझे लॉन्ग सफरिंग नहीं करना है तो मुझे, और इसमें भी फॉर्मूलाज है जो हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, तो मुझे कंजर्वेटिव अप्रोच करना है फॉर 10 ईयर्स। और एक बार मेरा मनी ट्री लग जाएगा तो उसके बाद मुझे उसमें से फ्रूट्स मिलते रहेंगे। तो मुझे सबसे पहले कंजर्वेटिव रहना है और कंजर्वेटिव रह के मुझे नीड के ऊपर फोकस करना है मनी जर्नी में, और मुझे वॉन्ट्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं है। तो मैं कंजर्वेटिव रहा, तो ये एक मनी पर्सनालिटी हो गया, मैं कंजर्वेटिव हूं। इसके साथ में मुझे क्या करना है, साथ साथ में मुझे सेकंड मनी पर्सनालिटी के ऊपर जाना है, दैट्स कॉल्ड सिक्योरिटी सीकर। तो मुझे सिक्योरिटी को सीक करना है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, भुज खलीफा जितना भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसका नींव कैसा होगा, उसका फाउंडेशन कैसा होगा, तो उसका सिक्योरिटी कैसा होगा, तो जितना ऊपर है उतना नीचे गया होगा। तो उसका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हम लोगों को हमारे पोर्टफोलियो या हमारी पर्सनालिटी में हम लोगों को सिक्योरिटी को भी देखना है। तो मुझे सिक्योरिटी सीकर बनना है। और थर्ड मुझे जो करना है वो है मुझे मनी मल्टीप्लायर बनना है। थर्ड मेरा मनी पर्सनालिटी जो होगा वो मुझे कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली मनी के बारे में जानना है और मुझे पोर्टफोलियोस बनाने हैं इस तरीके से। तो मेरी मनी पर्सनालिटी में मनी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये तीन पर्सनालिटी जब मैं लेके आऊंगा, पहले मैंने जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोच किया, सिक्योरिटी सीकर किया, और मैंने मनी मल्टीप्लायर किया। तो ये मैंने तीनों किया तो क्या होगा, तो मैं मनी मास्टरी के तरफ जाऊंगा। और ये करने के बाद में मैं अभी एक्स्ट्रावेगेंट बन सकता हूं और मुझे ईएमआईज, जो ईएमआईज लेने हैं माय डियर फ्रेंड, लग्जरीज के लिए कभी भी ईएमआईज नहीं लेने हैं। कभी भी आप जो है मास्टर से स्लेव में जा सकते हो, एक रॉन्ग डिसीजन आपका पूरा गेम को बदल देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच दीपक जी फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन द थ्री मनी पर्सनालिटीज, जहां पे हम मनी के स्वामी हैं, स्लेव नहीं है। दोस्तों अगले एपिसोड में मैं दीपक जी से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल सवाल करने वाला हूं, जहां पर हम इस पे एक्शन कैसे ले सकते हैं और इसमें से रिजल्ट कैसे निकाला जा सकता है, और कई सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर भेजिए, हम कमिटेड हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आने वाले एपिसोड्स में हम दीपक जी से वो भी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जो ऑडियंस पूछ रही है, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में है वो भी मैं उनसे पूछूंगा। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे चैनल पर।